हाँ जी गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, ये करियर कॉर्नर की सीरीज चल रही है, जिसके ये पार्ट नंबर 10 है। तो एंड टॉपिक है अपना ईएमएस की कंपोनेंट्स, मींस इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज या इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम के की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या इसका मेन रोल रहता है, वो सब आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में ये देखा था कि यार कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनके अंदर हॉस्पिटल जाने से पहले ही उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाना जरूरी है, और वही जो परी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है ना, उन्हीं को बोला जा रहा है इमरजेंसी सर्विसेज, या फिर बोल सकते फर्स्ट एड सर्विसेज, या फिर एम्बुलेटरी सर्विसेज, या फिर एम्बुलेंस सर्विसेज। ये कुछ टर्म्स, कॉमन टर्म्स आप यूज करें तो उन सबको आज के टाइम में आप मोस्ट प्रोबेबली कवर किसमें कर रहे हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के अंदर। तो इसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं गाइस? तो नंबर वन होगा अपना डिस्पैच एंड कम्युनिकेशन। पॉइंट ये देखो यार, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो रही है तो उन कंडीशंस के अंदर एक फोन आएगा, जो भी ये जो इमरजेंसी फैकल्टीज होगी, जो भी हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ होगा, जो भी उनकी मेडिकल इमरजेंसी की टीम होगी, तो उनके पास एक कॉल आएगा। और मोस्टली अगर गवर्नमेंट बॉडीज है तो वहां मोस्ट प्रोबेबली अपना नंबर क्या रहता है गाइस? 112। ये नंबर अपने को देखने को रहता है ना एम्बुलेंस का, तो अपन मोस्ट प्रोबेबली इस नंबर पे अपन कॉल करते हैं। तो जैसे ही इस नंबर पे कॉल करेंगे तो वो टीम आपसे थोड़ी सी डिटेल पूछेगी कि कहाँ है पेशेंट, थोड़ा सा कंडीशन पूछ के उसके अकॉर्डिंग वो डिस्पैच करेगी, और वहां से आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेगी। और वहां पेशेंट होगा जो भी, उसके साथ भी उनको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और उनको घर से डिस्पैच करके हॉस्पिटल तक लाना होगा उनका, और उनको सेफली लाना होगा। जो भी कंडीशन होगी, जो भी मेडिटेशन चाहिए होगी, वो जो स्टाफ होगा वो उनको प्रोवाइड करेगा। यहाँ क्या होगा, जो भी स्टाफ होगा उसका कम्युनिकेशन लेवल बेस्ट होगा सबसे, एंड देन डिस्पैच का कंडीशन होगी। उनको पता होगा गाइस कि कौन सा मेडिकल सब्सटेंस किस टाइम यूज करना है, कौन सा मेडिकल मटेरियल किस टाइम यूज करना है, उन सबको पूरी नॉलेज होगी उस कंप्लीट स्टाफ को। जो भी एम्बुलेंस के अंदर स्टाफ होगा, जो भी एम्बुलेंस के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, हो सकता है पेशेंट को मास्क दिया जाए, या फिर हो सकता है आई मीन ऑक्सीजन मास्क की बात की जाए, ऑक्सीजन उस पेशेंट को दी जाए, या फिर हो सकता है कि अगर पेशेंट को कुछ फ्रैक्चर वगैरह तो उस केस के अंदर उसको सेफ रखना है, या फिर पेशेंट को चक्कर आ गया, या कोई और एक्सीडेंटल केस है, या कोई कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड सर में चोट लगे तो सर को किस तरह रखना पड़ेगा, अगर हाथ टूटा है तो, अगर पाँव टूटा है तो उसकी, अगर अपने को अगर हो सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ब्लॉकेज हो, कुछ चोकिंग हो सकती है, तो ये सारी चीजें कौन करेगा भाई? जो भी ये अपना स्टाफ होगा, ये ट्रेन स्टाफ होगा। तो पैरामेडिकल का ये ट्रेन स्टाफ होगा ना, ईएमएस एक एडवांस कोर्स है, ठीक है, जिसकी आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का क्या रोल होता है। तो सबसे मेन रोल क्या रहता है गाइस? इनका डिस्पैच एंड कम्युनिकेशन। देन नंबर सेकंड होगा अपना इमरजेंसी मेडिकल पर्सोनल्स। क्या होगा गाइस? इमरजेंसी मेडिकल पर्सोनल्स, ये जो इमरजेंसी मेडिकल पर्सोनल्स कौन से होंगे? ये स्टाफ होंगे, और ये जो वो पर्सन होगा जिन्होंने इमरजेंसी मेडिकल कोर्स किया है, उन्होंने फर्स्ट एड का कोर्स किया है, वो ये स्टाफ होगा। क्या होगा? ये स्पेशलाइज्ड स्टाफ होगा, जिनके स्पेशली उनको इसी फील्ड की नॉलेज होगी। क्या होगा? ये एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ होगा, ठीक है गाइस। सबसे नंबर वन इमरजेंसी पर्सोनल्स का, एंड देन ये स्पेशलाइज्ड स्टाफ होगा, और ये क्या होगा? वेल ट्रेन्ड होगा, इनकी ट्रेनिंग बहुत ही बेटर तरीके से की जाएगी, इनको लाइव प्रैक्टिकल फर्स्ट डे से ही मोस्ट प्रोबेबली इनको कवर अप किया जाएगा। और जैसे आप फर्स्ट एड का, या फिर आपने फायर सेफ्टी वाला कोई भी डिप्लोमा डिग्री कर रहे हो, या फिर आपने सर्टिफिकेट भी लिया होगा लाइसेंस के लिए मांगते हैं अपने से, तो उसके अंदर क्या होता है अपने को प्रैक्टिकल गाइडेंस बता देते हैं, सीपीआर कैसे करते हैं, कुछ एक्स वाई जेड कंडीशंस हो रही है तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है, रोड सेफ्टी के क्या क्या रूल होते हैं, एक्सीडेंट केस हो तो क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या आप सेफ कर सकते हो। तो सेम लाइक दैट ये जो इमरजेंसी मेडिकल प्रोफेशन होंगे ना, जो टेक्नीशियंस होंगे, इनको भी इसी तरह वेल ट्रेंड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। और भाई ये जो स्टाफ होगा ये क्या करेगा, जो भी पेशेंट होगा, हो सकता है जो भी पेशेंट होगा, जो मींस जो पेशेंट हॉस्पिटल आ रहा है, उसको ये किस तरह असिस्ट करेंगे, ये इन पे डिपेंड करता है, इनकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, इनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए दो तीन आपने को स्टाफ देखने को मिलेगा एम्बुलेंस के अंदर, और वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये रिएक्ट करते हैं। हो सकता है कि पेशेंट को वहां से शिफ्ट करना पड़े, या फिर हो सकता है पेशेंट को वो शिफ्ट ना कर पा रहे हैं तो उनको स्ट्रेचर लेके जाना पड़ेगा, अगर वो पेशेंट को नहीं उठा पा रहे हैं तो, अगर स्ट्रेचर से काम नहीं चल रहा तो उसका क्या उसका अल्टरनेट होगा, मींस पेशेंट को रिलोकेशन का काम इनका होगा भाई। ये पेशेंट को घर से हॉस्पिटल, या फिर जो भी सपोर्ट होगा, एक्सीडेंटल सपोर्ट होगा, इमरजेंसी सपोर्ट होगा, उससे हॉस्पिटल तक लाने की जिम्मेवारी इनकी रहती है उनको, और उतने उस एरिया के अंदर उस पेशेंट को स्टेबल करना भी इनकी जिम्मेवारी रहती है कि रास्ते में उस पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए, और कुछ बेसिक कंडीशन हो रही है तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो ये काम किसका रहता है? ईएम पर्सोनल्स का, इमरजेंसी मेडिकल पर्सोनल्स का ये काम रहता है, जो ये अपना की रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के अंदर। देन नंबर थर्ड होगा एम्बुलेटरी सर्विसेज। क्या होगा? एम्बुलेंस सर्विसेज, ये जो इमरजेंसी सर्विसेज
होगी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, उनके अंदर एम्बुलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है और ये प्राइमरी व्हीकल रहेगा। एम्बुलेंस हो सकता है या फिर अकॉर्डिंग टू मेट्रो सिटी तो वहाँ हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी हो सकती है, बिकॉज जितना हॉस्पिटल में क्या क्या उनके लिए चीजें अवेलेबल है, किस टाइप का हॉस्पिटल है, क्या उसकी रेंज है, उन चीजों पर डिपेंड करता है, उनका कौन सी उनका टीम फोर्स रहता है, तो वो सारी चीज पर डिपेंड करती है। तो अभी बात करें एम्बुलेंस सर्विसेज की, एम्बुलेंस का आप 112 पे कॉल करेंगे तो इसी फैकल्टी को ये कॉल अपना लगेगा और जो कॉल टू द सिचुएशन आपसे पूछ के फिर वो आगे रिएक्ट करेंगे। उनके साथ क्या होगा गाइस, ये स्टाफ होगा और उनको एक प्रॉपर डिस्पैच एंड कम्युनिकेशन की उनको नॉलेज होगी। और इन्हीं एम्बुलेंस सर्विसेज अंदर कौन सा स्टाफ होगा, ये पर्सनल होंगे, ये स्टाफ होगा और ये क्या होगा, ये वेल ट्रेन स्टाफ होगा और वेल ट्रेन स्टाफ के साथ ये जो एम्बुलेंस होगी इसके अंदर सारे अपने को जो भी मेडिकल इमरजेंसी मटेरियल्स होंगे सारे मटेरियल्स और सब कुछ अपने को इन वेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर जो भी अपने को मटेरियल चाहिए, जो भी सब्सटेंस चाहिए, जो भी चीज चाहिए ना, वो सारी चीजें इन एम्बुलेंस सर्विसेज के अंदर अवेलेबल होगी। अगर बात की जाए तो आज के टाइम में ये ऑक्सीजन वाली भी एम्बुलेंस आ रही है, उनके अंदर ऑक्सीजन की भी फैसिलिटी उस पेशेंट को दी जा रही है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है या फिर ओल्ड एज पेशेंट है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है गाइस, एंड देन फिर ये इनका क्या रोल रहता है गाइस, एम्बुलेंस सर्विसेज का पेशेंट को स्पॉट से हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाना होता है पेशेंट को, और साथ ही साथ में इसी एरिया के अंदर पेशेंट को स्टेबलाइज रखना और ये सारी कंडीशंस यहां सारी मैटर करती है। ठीक है गाइस, नंबर फोर्थ अपना कौन सा कंपोनेंट रहेगा गाइस, मेडिकल फैसिलिटीज। क्या रहेगा गाइस, मेडिकल फैसिलिटीज। यहां देखो गाइस, पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर या फिर पेशेंट को उस सपोर्ट से लेके उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा और हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के बाद पेशेंट को एडवांस सर्विसेज दी जाएगी। यहाँ क्या दी जाएगी गाइस, एडवांस सर्विसेज अपने को देखने को मिलेगी और पेशेंट की लाइफ को हो सकता है उतना फास्ट रिकवर किया जाए, जल्दी से जल्दी उसको सेव किया जाएगा इन मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर। ठीक है गाइस, और ये ईएमएस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है गाइस, ईएमएस जो भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन सर्विसेज इन फैसिलिटीज का रहता है। मेडिकल फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कर रहा है अपने को, हु प्रोवाइड, ये मेडिकल फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग केयर्स हो गए, है कि नहीं, हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग केयर्स हो गए, ये सारे क्या कर रहे हैं गाइस अपने को, ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए, ये सब क्या है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और अभी एक डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए। एंड एक चीज ये डिपेंड करती है गाइस की किस टाइप की इमरजेंसी है, टाइप ऑफ इमरजेंसी किस टाइप की इमरजेंसी होगी गाइस, इमरजेंसी एंड साथ ही साथ में किस पे डिपेंड करता है कि उस हॉस्पिटल की क्या कैपेसिटी है और एंड हॉस्पिटल की क्या कैपेसिटी है, हॉस्पिटल कैपेसिटी मींस कौन से पेशेंट्स को वो कवर अप कर सकते हैं, कौन सा केस वो उठा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन सब चीजों को कैटेगराइज किया रहता है। हो सकता है कि आप अगर कोई पेशेंट है उसको आप ऑर्थो का पेशेंट हो सकता है तो आप उसको कहीं और कहीं शिफ्ट कर रहे हो, तो ये चीजें मैटर करती है। और ये सारी चीजें क्या होगी गाइस, ये पूरे प्रोटोकॉल्स होंगे इनके, तो उनको फॉलो किया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज क्या गाइस, यहां आप इसका एक की कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा। द नंबर 5, अभी मैंने एक यहां टर्म यूज की थी गाइस प्रोटोकॉल्स, तो नंबर 5 क्या होगी, मेडिकल प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स, प्रोटो प्रोसीजर्स। एक चीज देखो गाइस, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, फिर कोई भी मेडिकल बॉडी है, फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कुछ भी कोई भी बॉडी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट नॉन प्राइवेट एक्स वाई जेड जो भी है, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। एक हॉस्पिटल के भी प्रोटोकॉल होंगे, उसके भी प्रोसीजर्स होंगे, जैसे कोई भी पेशेंट एडमिट हो रहा है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है काउंटर से ही, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता तब तक उसकी पूरे डॉक्यूमेंटेशन चलती है, उनका क्या प्रोसीजर है। और प्रोटोकॉल ये रहता है गाइस कि जो पेशेंट को है कि फाइल दी जा रही है, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट वो दी जा रही है, जो उसका जो पूरा डाटा है वो हॉस्पिटल उसको रखेगा, कहीं उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा, ये उनके प्रोटोकॉल से रहते हैं गाइस अपने मेडिकल के अंदर। ठीक है, और ये देखो गाइस सेम कंडीशन अपने ईएमएस के अंदर देखने को मिलेगी, ईएमएस भी कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा। जैसे कुछ प्रोसीजर ये हो सकते हैं कि पेशेंट के अगर हो सकता है हाथ टूटा हो, तो मैंने कल भी बताया था ये बात, जो पुरानी वीडियो थी ना उसके अंदर भी ये बात कर रहे थे और एक सेशन में भी ये बात कर रहे थे, तो अगर किसी पेशेंट का हाथ टूटा है तो अगर अपने पास कुछ चीजें नहीं है तो आप क्या करते हैं, उसका ये एक बटन खोलेंगे इस तरह रख देंगे, तो ये क्या अपन एक प्रोसीजर बना रखा है ना, और ये प्रोटोकॉल ये रहता है कि उसके पेशेंट को जितना हो सकता उतना सेफ रखना अपने को, तो ये सारी क्या है, ये सारी कंडीशंस होगी। एंड देन ये डिपेंड ये करता है कि टाइप ऑफ इमरजेंसी मतलब किस टाइप की इमरजेंसी है, उस पर ये प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स डिपेंड करते हैं। जैसे वो हॉस्पिटल में आएंगे देन उसके बाद उनका आगे प्रोसीजर होगा, बट ये चीज क्या डिपेंड करेगी गाइस किस टाइप की इमरजेंसी है। हो सकता है पेशेंट दो तीन टाइप के हो सकते हैं, तो ज्यादा
केस उनका हायर हो सकता है या फिर एक नॉर्मल केस हो सकता है जिसके अंदर किसी को माइनर चोट लगे रहे को हैवी चोट लगे, तो आप क्या करेंगे, जिसको हैवी चोट लगे उसको पहले ट्रीट किया जाएगा, पेशेंट कॉन्शियस है पेशेंट अनकॉन्शियस है, ये सारी चीजें क्या करते हैं इन प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर को फॉलो करके फिर आगे उनको प्रोसेस किया जाता है किस टाइप की इमरजेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रोटोकॉल्स के अंदर। देन नंबर सिक्स थिंग का अपना की कंपोनेंट्स रहता है गाइस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है यार, कोई भी स्टाफ है ट्रेनिंग प्लस एजुकेशन उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। कोई भी इमरजेंसी सर्विस का स्टाफ है फिर कोई भी इमरजेंसी स्टाफ है ना, तो वो क्या करेंगे उनके पास एक सर्टिफिकेशन होना सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, एंड देन उसी एजुकेशन के साथ साथ क्या होगा, ये मेडिकल एक ऐसा फील्ड है उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो उस पे जो भी स्टाफ होगा उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उसके पास ट्रेनिंग लेटर भी अपन देख सकते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है गाइस इनके अंदर। और वहीं अगर बात की जाए तो इनके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रेनिंग भी देखने को मिलेंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग देखने को मिलेंगे, मींस कि किस टाइप की कंडीशंस के अंदर किस टाइप की सर्विसेज के अंदर वो जो भी फैकल्टी मेंबर है जो भी स्टाफ है वो पैरामेडिकल स्टाफ है जो ये कोर्स परस्यू करे वो किस में जाना चाहता है, कोई डिग्री कर रहा है कोई डिप्लोमा कर रहा है कोई फायर सेफ्टी में जा रहा है कोई हॉस्पिटल सेफ्टी में जा रहा है कोई पेशेंट सेफ्टी में जा रहा है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है ठीक है, तो उसी के बेस पे फिर उनको अलग अलग कोर्स दिए जाते हैं, अलग अलग उनकी सैलरी पैकेज वगैरह सारी चीजें इन लेवल्स पे उनके डिपेंड करती है कि किस टाइप का उनका कोर्स है। और इजी एजुकेशन ट्रेनिंग के अंदर उनको सिखाया जाता है कि हाउ टू सेव पेशेंट की लाइफ को कैसे सेव किया जाता है, हॉस्पिटल्स के रूल और प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है, और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उनको कैसे रिएक्ट करना होगा, इमरजेंसी सिचुएशन में उनको कैसे रिएक्ट करना होगा, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, किस तरह पेशेंट की लाइफ को जल्दी से जल्दी सेव किया जा सकता है, उसको पेशेंट को स्टेबल किया जा सकता है, ये सारी अपने को ईएमएस के अगर कोर्स परस्यू करें तो उसके अंदर अपने को ये चीजें देखने को मिलेगी। देन नंबर सेवन, ये तो अपना ट्रेनिंग एजुकेशन का था, देन उसके बाद आ रहा है गाइस पब्लिक आउटरीच या फिर पब्लिक एजुकेशन। एक चीज देखिए गाइस आज के टाइम में अगर जगह जगह ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं उनकी अवेयरनेस के लिए गांव में या शहर में या अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कुछ ना कुछ कैंप वगैरह लगा रहे हैं, उन कैंप में लोगों को अवेयर कर दिया, जैसे ये अगर कैंप की बात करते हैं मलेरिया का हो सकता है या फिर फायर सेफ्टी के हो सकते हैं, तो मोस्ट पर ये कैंप देखते हैं ना आप, या फिर आप फर्स्ट एड का डिप्लोमा कर रहे हो तो डिग्री कर रहे हो आप सर्टिफिकेट कर रहे हो, आज के टाइम में तो ऑनलाइन भी ये चीज अवेलेबल है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है यार, ये अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस इन द सोसाइटी कि रोड सेफ्टी के क्या क्या रूल रहते हैं, अगर उन रूल्स को अगर फॉलो करता है कोई भी पर्सन उसके अंदर उसके एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होते हैं, तो ये सारी चीजें प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं। आज के टाइम में तो अलग 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 कॉर्पोरेट्स के अंदर भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह वो एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, क्या क्या मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है इस कंडीशन के अंदर, तो कैसे वो उन सिचुएशन में कोप कर रहे होंगे या फिर कर सकते हैं, ये सारी चीजें इन कंडीशन के अंदर देखा जाता है, इन कैंपेस के अंदर इन सेमिनार्स के अंदर देखा जाता है। जैसे आपने एक कॉमन देखा होगा इस फायर सेफ्टी या फिर सीपीआर का देख सकते हैं, सीपीआर का हो गया डिफाइब्रिलेशन का हो गया, तो एक्सेक्ट्रा ये अपने को मोस्ट प्रोबेबली ये देखने को मिलेंगे आज के टाइम में सोसाइटी के अंदर ठीक है गाइस, पब्लिक आउटरीच और पब्लिक एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है। देन नंबर एट लास्ट बट नॉट लीस्ट मेडिकल डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है यार, मेडिकल डायरेक्शन ये भी ईएमएस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फिर एक इंपॉर्टेंट रोल के अंदर इसको कवर अप करते हैं, तो इसके अंदर क्या कंसेप्ट रहता है मेडिकल डायरेक्शंस के अंदर, इनके अंदर गाइस जो भी मेडिकल ऑफिसर्स होंगे मेडिकल ऑफिसर्स या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स वो क्या करते हैं गाइस, ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और यही जो ये जो चीजें थी ना पब्लिक आउटरीच और पब्लिक एजुकेशन ये एक कंसेप्ट था, और ये अपना ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट लिए थे ना अपने, ये तो प्योर इंडस्ट्री के लिए था और ये सबके लिए था, तो इन दोनों को ये कौन असिस्ट कर रहा है, ये मेडिकल डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये इसी के आगे फिर इनको सब डिवाइड किया गया है, तो ये मेडिकल डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन उनकी क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है ना अपन क्वालिटी अवेयरनेस क्यूए बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, तो ठीक है गाइस ये सारे कंसेप्ट इसके अंदर कवर अप किए जाते हैं। तो गाइस ये कुछ ऐसे यहाँ आठ ऐसे की कंपोनेंट्स हैं जो कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के अंदर आप कवर अप करते हैं, और भी बहुत सारे पर जो मेन है वो आप इस वीडियो के अंदर कवर अप कर चुके हैं, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट रहा था आप नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए आप अपनी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, तो आज की वीडियो में इतना गाइस, मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।